देखा दोस्तों कैसे रेलवे में बहुत सारी वैकेंसी निकलने वाली है। असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन, रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल, ग्रुप डी, टीटीई प्लस टीसी, आरपीएफ एसआई, मतलब 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन, तीनों के लिए वैकेंसी निकलने वाली है। साथ ही साथ रेलवे के चेयरमैन का किसी ने बड़े यूट्यूब चैनल वाले ने इंटरव्यू लिया था, मतलब एक फेमस न्यूज चैनल, तो उन्होंने डेट बताया है सबका कि कितनी, मतलब किस पर कितनी वैकेंसी निकलने वाली है। साथ ही साथ एक नोटिफिकेशन होता है ना, एक छोटा सा नोटिफिकेशन, उसी में आपका एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, ग्रुप डी, टीटी और आरपीएफ एसआई का तीनों का आपका बताया गया था कि क्या क्या डेट होगा। अब ये वीडियो बनाने के बाद मैं वो छोटा सा नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से आप जाके देख पाएंगे। बात करें उसमें हम अप्लाई डेट बताएंगे सभी का, ठीक है, जैसे एएलपी एक लाइन से सबका आपको अप्लाई डेट बताएंगे, टोटल पोस्ट, सैलरी क्या होगा, जोन वाइज कट ऑफ। देखिए बहुत सारी जोन का कट ऑफ कम जाता है, ठीक है, तो क्या कट ऑफ होने वाला है, क्या सिलेबस होता है वे बताएंगे आपको। साथ ही साथ आपको जो यहाँ पर कौन कौन बुक लेने होंगे, किस चीज के लिए किस बुक से तैयारी करने होंगे, जैसे कि जिसका अभी अप्रैल में निकलने वाला होगा, तो अब तो 2-3 महीना बचा ना, तो उसकी तैयारी कैसे कीजिएगा, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले बात है एएलपी, एएलपी का मतलब क्या होता है, असिस्टेंट लोको पायलट। इसमें आपको क्या चाहिए, 10th प्लस आईटीआई, ठीक है, 10th प्लस आईटीआई चाहिए। तो देखिए ये 10th प्लस आईटीआई चाहिए, अब एएलपी के बारे में बताएंगे, लेकिन सबका पहले ये बता देते हैं, यहाँ पर आरपीएफ एसआई में आपको क्या चाहिए, ग्रेजुएशन, क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है। पहले सबका क्वालिफिकेशन बता देते हैं, फिर आपको बताएंगे कि सब में कितना टोटल पोस्ट निकला है, कब अप्लाई होगा। टेक्नीशियन के लिए, ठीक है, रेलवे में जो टेक्नीशियन निकलेगा उसके लिए आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, किससे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से अगर आप पास आउट किए हैं, 12 पास है, ठीक है, और तो आप टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर या कोई आप डिप्लोमा किए हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करिए आरपीएफ कांस्टेबल के लिए, तो अगर आप 10th पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑल इंडिया मेल फीमेल के लिए है, ठीक है, आप इंडिया में कहीं से भी है, मेल हो या फीमेल हो, तो आप किसी भी जोन में अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप कोलकाता में रहते हैं तो आप पटना जोन में अप्लाई कर सकते हैं, आप बैंगलोर में रहते हैं तो आप चेन्नई जोन में अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है। ग्रुप डी के लिए आपका क्या है, 10th सिर्फ, ठीक है, टीटीई और टीसी के लिए, ठीक है, टीटीई के लिए क्या है, 12th, क्या है, 12th, और टीसी के लिए क्या है, ग्रेजुएशन है। अब हम बात करते हैं असिस्टेंट लोको पायलट, ये अप्लाई आपका कब होगा, ये आपका अप्लाई कब होगा, अप्रैल में, कब होगा, अप्रैल में होगा। और इसमें टोटल वैकेंसी कितनी निकली है, टोटल देखिए ये दोनों पोस्ट अप्रैल में अप्लाई होंगे आपके, असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन, और इन दोनों का जो अप्रैल में अप्लाई होगा तो टोटल पोस्ट कितना है, 60,000, कितना, 60,000 पोस्ट है और अप्रैल में अप्लाई होगा दोनों। ये आपका क्लियर हो गया असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन। इसके लिए आपको क्या करना है, बुक बाजार में जाना है, बोलना है कि अगर आप असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी करें तो बोलना है कि आपको प्रीवियस ईयर बुक दीजिए, और टेक्नीशियन की तो टेक्नीशियन का प्रीवियस ईयर बुक मांग के उसमें से अभी सॉल्व करना है, अभी आप फिलहाल उतना सॉल्व कीजिए, फिर मैं आगे बताऊंगा आपको धीरे धीरे करना क्या है, ठीक है। आरपीएफ कांस्टेबल की बात करें तो ये भी 10th पास है, ये भी 10th पास है, और इसमें जो आपका अप्लाई होगा कब से होगा, या तो आपका अप्रैल में होगा, ठीक है, अप्रैल में तो फिक्स है, लेकिन ये जो मार्च में भी हो सकता है, किसमें, मार्च में, ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि मार्च में भी कभी भी इसका नोटिफिकेशन निकल सकता है, लेकिन अप्रैल में फिक्स है। मान लीजिए किसी कारणवश मार्च में नहीं निकल पाया तो अप्रैल में 100% निकलेगा। और आरपीएफ कांस्टेबल जो है यहाँ पर 10th पास जो है, इसमें आपसे क्या पूछा जाता है, जीए, ठीक है, जीए पूछा जाता है, मैथ पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है। तो जीए के लिए आपको क्या करना है, लूसेंट पढ़ना है, ठीक है, लूसेंट पूरा कंप्लीट कर लीजिए, साथ ही साथ करंट अफेयर्स। इसमें आपको मैथ में क्या करना है, मैथ और रीजनिंग के लिए प्रीवियस ईयर पेपर लेना है, मैथ और रीजनिंग के लिए क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर। तो आपको मार्केट में जाना है, बोलना है कि आरपीएफ कांस्टेबल का आपको प्रीवियस ईयर पेपर दीजिए, और साथ ही साथ लूसेंट का एक बुक ले लीजिएगा। तो आरपीएफ कांस्टेबल की कितनी वैकेंसी निकल रही है, 9000 प्लस, कितना, 9000 प्लस। 9000 प्लस का मतलब क्या होता है कि 9000 से कम नहीं बल्कि 9000 से ज्यादा ही निकलेगी, ये 10000 भी निकल सकती है, 12000 भी निकल सकती है, ठीक है। तो आरपीएफ कांस्टेबल में 9000 वैकेंसी निकलेगी जो कि मार्च या अप्रैल में अप्लाई होगा। बात करें रेलवे ग्रुप डी, तो रेलवे ग्रुप डी जो है ये 10th पास वैकेंसी निकलेगी, लेकिन आईटीआई वालों को इसमें ज्यादा छूट दिया जाता है 20% का, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी जो है वो अगस्त में निकलेगा, कब, अगस्त के आसपास निकलेगा, और इसमें जो वैकेंसी निकलेगी 1,00,000 के आसपास, कितना, 1,00,000, ठीक है। तो अभी से आप तैयारी कीजिएगा तब ना आप इसको ले पाइएगा। तो इसका भी सेम एग्जाम पैटर्न वही रहता है, लेकिन इसमें जनरल साइंस अलग से पूछता है, 25 क्वेश्चन जनरल साइंस का 25 क्वेश्चन अलग से आता है, ठीक है। तो रेलवे ग्रुप डी के लिए भी आपको क्या करना है, स्पीडी या अरियंत का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके सॉल्व करना है, ठीक है। रेलवे के लिए आपको दो याद रखिए, या तो स्पीडी का लेना है या तो अरियंत का लेना है, ठीक है, या तो स्पीडी का बुक लीजिए या तो अरियंत का लीजिए। बात करते हैं टीटी, टीटी का मतलब क्या होता है, ट्रैवल टिकट एग्जामिनर, मतलब हम लोग जो ट्रेन में ट्रैवल करते हैं ना, जो टीटी रहता है वही टीटी है, ठीक है, और एक टीसी है, ठीक है, टिकट कलेक्टर, ये आपका स्टेशन पर खड़ा रहता है, ठीक है, दोनों में अंतर है। आप लोग सोचते थे ना टिकट कलेक्टर ये स्टेशन पर खड़ा रहता है टिकट कलेक्ट करने के लिए, टीटी ये जो ट्रेन में ट्रैवल करता है, तो जो टीसी होता है टीटी, ये सबका जो वैकेंसी होगा लगभग 7000 प्लस टीटी का होगा और कुछ 3000 टीसी का होगा, तो ये भी लगभग 10-11000 के आसपास वैकेंसी निकलेगी। इसका भी फॉर्म आपका
अप्रैल मई में अप्लाई होगा, ठीक है, अप्रैल मई में अप्लाई होगा। और इसमें भी आपका जो इसमें देखिए इसमें भी सब कुछ सेम रहता है आपका, जैसे जीए मैथ रीजनिंग, लेकिन साथ में एक टेक्निकल सब्जेक्ट रहता है, ठीक है। उस टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए आपको मार्केट से बुक खरीदना होगा, आपको बोलना होगा कि हमको टीटी का टेक्निकल सब्जेक्ट का बुक चाहिए। अगर आप बोलिएगा तो उसका सिलेबस हम नीचे बता देंगे। बात करें आरपीएफ एसआई, इसके लिए आपको ग्रेजुएशन मांगा जाता है, ठीक है, और इसमें भी सब प्रोसेस आरपीएफ कांस्टेबल की तरह सेम रहता है। इसमें जो वैकेंसी निकलेगी लगभग 3000, कितना 3000। अब हम बात करें अप्लाई डेट, तो अप्लाई डेट सबका बता चुके हैं, टोटल पोस्ट बता चुके हैं, सैलरी सबका बता देते हैं। तो देखिए एएलटी की जो सैलरी होती है असिस्टेंट लोको पायलट की स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है 33000, कितना 33000। टेक्नीशियन का भी सेम रहता है 33000। आरपीएफ कांस्टेबल की जो रहेगी स्टार्टिंग सैलरी में कितनी रहेगी 30000, कितनी 30000। और रेलवे ग्रुप डी की इस बार सैलरी कितनी हो गई है लगभग 29000 के आसपास, कितना 29000। स्टार्टिंग सैलरी की बात करें सब कुछ जोड़ के, हाउस रेंट अलाउंस ये सब सब जोड़ के बता रहे हैं, ठीक है, ये नहीं कि बेसिक पे बता रहे हैं। टीटी की सैलरी की बात करें तो टीटी का अगर जोड़ जाकर देखेंगे तो 35000 भी पहुंच जाता है, ठीक है, सब इनकम को जोड़ जाकर, रहना खाना ट्रैवल के अलावा सब कुछ, ठीक है। आरपीएफ एसआई का जो होगा ये आपका 45000 के आसपास रहता है, कितना 45000 के आसपास आपका स्टार्टिंग रहता है, जो कि सब जोड़ जाकर रहता है। तो आपका सैलरी भी खत्म हो गया। आप किस जोन का लो कटअप जाता है, देखिए साउथ में जैसे कि आपका चेन्नई जोन बैंगलोर जोन हो गया और इधर आपका हो गया सिकंदराबाद जोन, तो इन तीन जोन का कटअप कम जाता है। इधर आप अप्लाई कीजिएगा तो आपका होने का चांस ज्यादा रहता है। अगर और किसी जोन के बारे में पूछना है तो नीचे कॉमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरह से आपका ये हो गया। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है ना कि जो रेलवे की वैकेंसीज निकल रही है तो ये दोबारा मौका नहीं मिलेगा। 2024 में इलेक्शन है इसलिए ये वैकेंसीज निकाली जा रही है, और इसको लेके आप जम के तैयारी कीजिए। कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।